बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का जो मौजू है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज और खुतबा हजतुल वदा। अब जब मक्का भी फतह जो है वो हो गया और मुसलमानों का एक तरह से दीन यानी इस्लाम जो है वो तेजी से फैलना जो है वो शुरू हो गया, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो तबूक से एक गजवा हुआ था, गजवा तबूक 9 हिजरी में, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वापस आ रहे थे तो आपने तकरीबन 3,000 मुसलमानों का एक काफिला था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की अमारत में यानी उनकी क्यादत में हज के लिए जो है वो रवाना कर दिया। यानी रवाना तो 9 हिजरी में किया, लेकिन फिर बाद में जब मुसलमानों ने इकट्ठा हज अदा किया था, जब नबी करीम खुद भी जो है वो आए थे तो वो 10 हिजरी। तो ये मुसलमानों का पहला जो है वो बाकायदा हज था जिसमें मुसलमानों ने, अब बाकायदा कैसे था, बाकायदा हज इस तरह था कि इस्लामी कवायद के और उनके मुकम्मल जवाबित इस्लाम के असूलों के और जवाबित के मुताबिक जो है वो ये हज अदा जो है वो किया गया था। ठीक है, यानी ये ऐसा हज था कि जिसमें कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया था गया था जो गैर इस्लामी जो है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में बकायदा जो है वो हज का ऐलान किया था। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जो है वो एक तरह से आते हैं, जितनी भी उसके अरकान हैं उनको मुकम्मल किया, जब आप अरकान जो है वो मुकम्मल करते जाते तो आप जो है वो जब 4 एक तरह से जिलहज था तो आप मक्का मुकरमा में दाखिल हुए, आपकी काबा पर नजर पड़ी। ठीक है, तो आपने फरमाया कि ऐ खुदा इस घर को ज्यादा शरफ और इज्जत अदा। जब कुर्बानी की और कुर्बानी देकर जब मुकम्मल हज हो गया एक तरह से, तो आप मक्का मुकरमा से मीना जो है वो तशरीफ लाए, और इस दौरान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी हज के मसाइल थे उनको वाज़े तौर पर जो है वो बयान करते जाते, और साथ में ये भी अल्फाज जो है वो बार बार दोहराते जाते कि मुझसे जो है वो हज के मसाइल सीख लो, मैं नहीं जानता कि इसके बाद जो है वो मुझे दूसरे हज की एक तरह से दूसरे हज की मुझे नौबत आए या ना आए। ठीक है, ये निस्बत नहीं है, यानी लफ्ज़ नौबत यानी मौका मिले या ना मिले, एक तरह से फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, और जिसे हिज्जतुल विदा कहते हैं, और फिर इस हिज्जतुल विदा पर जब आपने जो है खुतबा दिया तो उसे खुतबा हिज्जतुल विदा जो है वो कहा जाता है, और इसी वजह से फिर इस हज को जो है ना वो हज अकबर भी कहा जाता है कि ये हज जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी एक तरह से सोबत में अदा किया गया था, जिसमें तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम है वो शामिल हुए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों इस्लाम का एक तरह से आखिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी जो है वो। अब इस मौका पर जो है वो आपने एक खुतबा दिया था, ये बहुत अहम खुतबा है जिससे जो है वो एक तरह से निचोड़ है उन सारी बातों का। अब भी इंसानी एक देखे ना जिंदगी, तो उस पर ये लागू होता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुबारक जब शुरू किया तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की। हमदो सना किस तरह बयान की, सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ की कि सब तारीफें जो है वो अल्लाह ताला की हैं, हम बेशक उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी की तरफ रजू करते हैं, और अपने जितने भी आमाल हैं उनकी खराबियों की पनाह भी अल्लाह से ही मांगते हैं, जिसे अल्लाह चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है वो भटका देता है। फिर इस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत की जाए, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद इसका बंदा और रसूल है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की पहले हमदो सना की और फिर इस बात की गवाही, खुदा खौफी और भलाई की ताकीद,
ये खुतबा ना अब एक बहुत अहम, नबी करीम ने हर तरह से हर जाविये से जो है वो इस खुतबा में जो जो आपको लगता था कि मुसलमानों के लिए जरूरी है, ये खुतबा इंसानी जिंदगी का एक चार्टर भी कहलाता है ना, इसमें हर तरह से हर पहलू को जो है वो मद्देनजर रखकर आपने ये खुतबा दिया था। अब खुदा खौफी और एक तरह से भलाई की ताकीद की गई थी, भलाई करने की, अल्लाह ताला के बंदो मैं जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के बंदो मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरने की, यानी तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, उसकी ताकीद करता हूँ। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, बल्कि ये भी कि तुम उसकी अताहत भी करो, ठीक है? और मैं तुम्हें यही ताकीद करूंगा कि तुम अल्लाह ताला से डरो और फिर उसकी अताहत भी करो। विसाल की जानिब इशारा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस होना शुरू हो गया था। तो आपने, क्योंकि जब आप, मैंने ये भी बताया कि जब हज के दौरान आप हज के मसाइल जो है वो बयान करते, तो साथ में बार बार ये फरमाते कि मुझे हो सकता है अगली बार भी मौका मिले या ना मिले, तो यहाँ आपने लोगों से फरमाया कि लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं तुमसे इस जगह पर जो है इस साल के बाद कभी मिल सकूं, यानी मुझे नहीं पता कि मुझे जो है वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहालत का एक तरह से मुकम्मल खात्मा किया, आपने फरमाया कि जिहालत के तमाम दस्तूर आज मेरे पांव तले हैं, यानी लोग जो है ना, कफार ने, कुरेश ने बहुत सारे एक ऐसे दस्तूर, रसूम, रस्में जो है वो बना रखी, तो आपने कहा उस तमाम जहलियत का जो है वो खात्मा है। सबसे बड़ा दर्स जो इस खुतबे में दिया गया वो है मसावात का, कि लोगो बेशक तुम्हारा रब एक है, ठीक है, तुम्हारा बाप जो है वो एक है, यानी आदम अलैहिस्सलाम, और तुम सब उसी की जो है वो औलाद हो। ये कबीले, ये नस्लें, ये रंग, ये जुबान, ये किसी तरह का कोई जो है वो इनकी अहमियत नहीं है, ठीक है? किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, और गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत, कोई जो है वो बरतरी नहीं है, सिर्फ उस शख्स को बरतरी है जिस जो है तकवा इख्तियार करे, जो परहेज गारी इख्तियार करे। फिर मिल्ली तफाकुर का खात्मा, तफाकुर जो है वो फखर से है, तो अल्लाह ताला ने तुमसे जो है ना वो जमाना है जारियत, जो कुरेश थे ना वो अपनी नस्लों पर जो है वो बहुत फखर करते थे, कफार के हम तो आला नस्ल से हैं, हमारे अबाउ अजदाद इतने बड़े आदमी थे, बड़े लोग थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान ये अबाउ अजदाद का जो एक जहलियत और अबाउ अजदाद पर जो फखर करना है उसको जो है वो मिटा दिया है। उस खुदा से डरने वाला इंसान जो होता है ना वो मोमिन होता है, और तुम आपस में सब बराबर हो, तुम्हारा किसी से जो है वो कोई किसी से बरतर नहीं है, तुम सब आदम की औलाद और आदम जो है वो मिट्टी से बने, इसीलिए इस नस्ली और मिल्ली तफाकुर का जो है वो खात्मा होता है, जान माल और फिर इज्जत का एहतराम है। नबी करीम ने अपने खुतबे में यह भी फरमाया कि तुम्हारे खून जो है, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर बिल्कुल इसी तरह हराम है जैसे आज का, आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुरमत है, यानी एहतराम हुरमत, ठीक है? देखो अनकरीब तुम्हें जो है वो खुदा के सामने जो है वो उससे मिलना है, उससे के सामने जो है वो आना है, तो देखो मेरे बाद जो है वो तुम गुमराह ना हो जाना और एक दूसरे पर जो है वो एक दूसरे की गर्दनें मत काटने लग जाना, यानी आपस में एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना, एक दूसरे की जान की, माल की, खून की, हर तरह से जो है वो आपस में मुत्तहिद रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने जाहिलियत के वक्तों के जितने झगड़े थे उनका जो है खात्मा किया, क्योंकि जमाने जाहिलियत के झगड़े इतने इतने तबील होते थे कि वो कई कई साल जो है वो चलते रहते थे, और उनकी वजह कोई नहीं होती थी, यानी मामूली सी एक छोटी सी वजह की वजह से जो झगड़े जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लंबे हो जाते थे। तो आपने कहा कि पहले खून जो खत्म किया जाता है वो रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का, ठीक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने खानदान से शुरू किया और फिर जो है वो तमाम जितने भी जमाना जाहिलियत के खून हैं, झगड़े हैं, उन सब का जो है वो खात्मा होता है। सूद का खात्मा, अब जमाने जाहिलियत के जितने भी सूद थे उन सब का जो है वो खात्मा कर दिया गया। तुम्हारा असल सरमाया, लेकिन मतलब जो असल माल था ना, अगर किसी ने किसी को कोई कर्ज दिया हुआ है तो उस पर जो सूद था वो खत्म हो गया, लेकिन जो उसका असल कर्ज था, जो असल माल था, वो उसे जो है वो मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि सूद खत्म कर दिया गया, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद जो है वो खत्म करता हूँ, उसको बातिल करता हूँ, यानी अपने चचा से जो है वो ये काम शुरू किया। गुनाहों से बचने की ताकीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
लोगों को जो है वो गुनाहों से बचने की ताकीद भी की है, सगीरा कबीरा हर तरह से जो है वो गुनाहों से बचने की ताकीद फरमाई, बार बार इस बात पर जोर दिया कि गुनाहों से बचो, चाहे वो सगीरा हो चाहे वो कबीरा हो, और दीन पर अमल करो तो तुम जो है वो गुनाहों से बचे रहो। हराम महीने यानी वो महीने जिनका एहतराम करना चाहिए, जिनमें लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला की किताब में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की किताब में 12 महीनों हैं, 12 महीने हैं जब अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए थे, इनमें से 4 हुरमत वाले महीने। अब वो 4 हुरमत वाले कौन है? उनमें से जिलकादर, जिलहज है, मुहर्रम है और फिर रजब है। ये 4 महीने हैं जिनमें लड़ाई झगड़े करना एक तरह से मना करा दिया। फिर औरतों के हकूक के बारे में भी जो है वो बताया गया कि अपनी बीवियों के मुतालिक तुम अल्लाह ताला से डरो, खुदा के नाम की जिम्मेदारी से तुमने अल्लाह ताला के नाम पर जो है वो इन्हें अपना बनाया है, तो तुम्हारा हक है कि वो जो है हर तरह से तुम्हारे जो इज्जत है उसका एहतराम करें, और तुम पर है कि तुम भी उनके हकूक का, उनकी इज्जत का जो है वो एहतराम करो, उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ और उनको पहनो। फिर इसके साथ साथ गुलामों के हकूक पर भी जो है वो तवज्जो फरमाई कि तुम्हारे गुलाम जो है ना वो तुम्हारे भाई है, ये नहीं कि तुम्हारे गुलाम है, तुम जिस तरह से चाहो उनके साथ जो है वो पेश आओ, जो खुद खाओ वो उन्हें भी पहनाओ, ठीक है? ये नहीं, ये हदीस भी है ना कि तुम्हें से अच्छा वो है जो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है, तो जो खुद खाओ वो उन्हें खिलाओ और जो खुद पहनो वो खुद भी उन्हें भी पहनाओ। फिर इनफरादी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? एक पर जो अपनी जात में एक अलग है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो क्या करती है? हर कोई अपने अपने तौर पर हर बात का जिम्मेदार हो, मुजरिम जो है वो अपने जुर्म का जिम्मेदार है, यानी ये नहीं कि किसी की बेटे की गलती है तो उसके बाप को दी जाए या उसकी बेटी को दी जाए, तो ये गलत बात है। हर मुजरिम जो है वो अपने जुर्म का जिम्मेदार है, बाप जो है वो बेटे के जुर्म का जिम्मेदार नहीं है और बेटा बाप के जुर्म का जो है वो जिम्मेदार नहीं है। अताते अमीर, अब अताते अमीर से क्या मुराद है? यानी अगर तुम्हें कोई जो तुम्हारे रहनुमाई करने वाला है, जो तुम्हें रास्ता दिखाने वाला है, उसकी तुम्हें अताहत जो है वो किस तरह करनी चाहिए? वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा अमीर जो है, ठीक है, अगर तुम्हारा अमीर जो है वो कटी हुई नाक का हबशी भी हो तो तुम उसकी अताहत करो, हाँ, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो तुम्हें अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक लेकर चले। फिर इसके अलावा चाहे वो जैसा भी हो तुम उसकी जो है वो अताहत करो, ठीक है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के रास्ते से हटे, अल्लाह ताला की पैरवी के अलावा तुम्हें किसी की पैरवी की अताहत की तरफ बुलाए, तो फिर तुम पर उसकी अताहत करना जो है वो फर्ज नहीं है। इसके साथ साथ अहकाम इस्लाम यानी अहकाम के इस्लाम जो है उनकी यादयानी करवाएगी कि लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नबी है और ना ही कोई जदीद उम्मत, इसके बाद कोई उम्मत जो है वो ये एक तरह से आखिरी उम्मत, खूब सुन लो कि अपने परवरदिगार की जो है वो तुम इबादत करो और फिर नमाज अदा करो, और ये अहकाम है ना, ठीक है, फिर साल भर में 1 महीने के भी तुम रोजे भी रखो और खाना काबा का हज भी जो है वो करो, यानी अपनी अताहत अपने नबी होने के साथ अल्लाह ताला की अताहत, इस्लाम के अहकाम की भी याद दहानी करवाई। आप अल्लाह ताला की किताब को ये थामे रखने की ताकीद भी की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें जो है वो छोड़े जा रहा हूँ, और अगर तुम इन दोनों को जो है वो मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो गए। वो दो चीजें क्या है कि एक अल्लाह ताला की किताब है और दूसरी जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी करीम ने इन सब के बारे में जो है वो इनको थामे रखने की जो है वो एक तरह से ताकीद की गई है कि इनमें सारी जिंदगी के हर पहलू की जो है वो रहनुमाई की, अगर तुम इन्हें पकड़े रखोगे इन पर अमल करोगे तो तुम सीधे रास्ते से कभी भी जो है वो हट नहीं सकोगे। अब हकूक ऑफ फराइज, ठीक है, अब हर तरह से हकूक ऑफ फराइज की अगर हक हैं तो फर्ज भी हैं। इस खुतबे में एक दूसरे के हकूक ऑफ फराइज की निशानदेही भी की गई है कि नबी करीम ने फरमाया कि मुसलमान, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की माल जान और आबरू किसी तरह भी उसकी इज्जत पर हाथ डालना जो है वो हराम है, उन पर उनकी इज्जत पर जो है वो हाथ नहीं डालना चाहिए। हमने पीछे पढ़ा है कि इज्जत व एहतराम के साथ एक दूसरे के माल की भी इज्जत करना, उसकी जान की, उसके खून की जो है वो एहतराम करना जो है वो फर्ज होता है। कमजोरों के हकूक के बारे में फरमाया गया है,
जिसमें मजलूम आ जाते हैं, बेवाएं हैं, यतीम हैं, इन सब के हकूक की हिफाजत करने का जो है वो आपने हुक्म दिया है। क्योंकि अगर इनके हकूक की हिफाजत होगी तो मुआशरा जो है वो बहुत से एक तरह से बेअतदालियों से और नाइंसाफियों से जो है वो बच सकता है। फिर इस खुतबे में अमन की तालीम दी गई, क्योंकि अगर अमन रहेगा तो मुआशरा जो है और लोग जो है वो आपस में सुकून से रहेंगे और उनमें जो है वो जंगो जदल नहीं होगी। हकूक जोजैन, जोजैन यानी मियाँ बी, इस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरतों के मसावी हकूक की निशानदेही की, यानी बराबरी एक तरह से दी है, और एक दूसरे को इनकी पासदारी का हुक्म भी दिया है। अखुवत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जब यही पढ़ लिया है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि तुम्हारा बाप एक है, तुम ये कबीले जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो शनाख्त के लिए हैं, ठीक है, तो किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं है, तो यहीं से हमें अखुवत के मानी जो है वो मसावात के मानी समझ आना शुरू हो जाते हैं। कि इस खुतबे में आपने रंग, नस्ल और कौमियत के झूठे इम्तियाजात जो हैं वो उनको मिटा कर इस्लामी मुआशरे में अखुवत पर जो है वो जोर दिया है, आपस में भाई भाई बन कर रहने पर जो है वो जोर दिया है। फिर नबी करीम ने अदल पर जो है वो बहुत ज्यादा जोर दिया कि मुसलमानों तुम्हें जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ नाइंसाफी ना करो और अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से पकड़े रखो, नेक बातों को जो है वो तुम फैलाओ और बुराई से जो है वो रोको, खुद भी अच्छे काम करो, दूसरों को भी अच्छे काम की ताकीद करो, उन्हें भी इस बात का हुक्म दो और बुराई से जो है वो रोको। अब जब ये खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा देते जाते थे और साथ साथ ये फरमाते जाते थे, और खुतबे के आखिर में सहाबा कराम से जो है वो फरमाया कि एक तरह से ये पूछते भी जाते जितने भी वहां लोग मौजूद थे ना कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला ने मेरे मुतालिक तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगे, यानी मैंने तुम पर अल्लाह ताला का जो पैगाम था वो तुम पर तुम्हारे तुम्हारे सामने और मुकम्मल एक तरह से पहुंचा दिया है, तो अब जब आपने ये पूछा तो सब ने अर्ज की कि हम ये कहेंगे कि आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम पर हमारे सामने जो है वो पहुंचा दिया है, आपने अपना फर्ज जो है वो पूरा कर दिया है। जब आपने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते तो आपने जो है वो क्या किया कि आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाकर 3 मरतबा कहा कि ए अल्लाह गवाह रहना। फिर इसी मौका पर जो है वो खुतबा जब आपने दे दिया तो इसके बाद जो है वो वही आखिरी एक तरह से आयत जो है वो नाजिल हुई, जिसमें तकमीले दीन और तकमीले कुरान का एक एक वो आखिरी आयत है, तो जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे दीन को जो है वो मुकम्मल कर दिया है, तुम पर एक तरह से अपनी नेमत पूरी की है, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को जो है वो पसंद फरमाया, यानी आखिरी खुतबे के साथ साथ एक तरह से मुकम्मल दीन है ये, और इस दीन के हवाले से मुकम्मल दीन और किस तरह से ये दीन मुकम्मल है ये सब कुछ खुतबे में बताया गया, और फिर इस हवाले से जो है वो वही और एक आयत भी जो है वो नाजिल है। ये खुतबा जो है ना इसकी अहमियत का अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ये तमाम इस्लामी जो तालीमात हैं उनका एक तरह से निचोड़ है, उनका खुलासा है, इसमें हर तरह के मजहबी अखलाकी जिंदगी के हर पहलू के हवाले से जो है वो रहनुमाई की गई है, उस पर रोशनी जो है वो डाली गई है। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा जो है वो दिया तो आपसे ये भी कहते जाते कि जो मुझसे सुने वो औरों तक भी पहुंचाए, ये सिर्फ जो है ना ये ऐलान भी किया कि ये पैगाम सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, ये पैगाम उन तक भी पहुंचाए जो यहाँ मौजूद नहीं है, फिर ये ताकि ये सिलसिला जो है वो कयामत तक चलता रहे।